अस्सलाम शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बनाने जा रही हूँ हरी मिर्च वाला और काली मिर्च वाला मज़ेदार कीमा। तो आज मैं साथ साथ आपको बनाना सिखाऊंगी ये कीमा और साथ साथ थोड़ी थोड़ी टिप्स भी देती जाऊंगी। अक्सर लोगों को इसके धोने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसकी ये टिप है कि नीचे आप यहाँ तो 3 से 4 नैपकिन्स रखें। यहाँ पर अमेरिका में लोग इस्तेमाल करते हैं ये नैपकिन्स, तो इसकी 3 से 4 तह लगा लें। और पहले एक बाउल लें, इसमें आप जब कीमा डिफ्रोस्ट करें तो उसमें आप खूब ढेर सारा गर्म पानी लेकर उसको 3 से 4 दफ़ा धो लें कीमे को, और खूब से पानी में लेकर 3 से 4 आप तह लगा लें अपनी छलनी में, और फिर ऊपर से आप कीमा गिरा दें। ठीक है, उस तरह से आपकी छलनी में जो कीमा अटक जाता है वो नहीं अटकेगा। ये है इसकी शानदार सी टिप। इस तरह से आप बच जाएंगी जो आपकी छलनी में ये अटक जाता है। अगर कभी ये अटक जाए तो ज़ाहिर बात है फिर आपको एक ब्रश से इसको साफ़ करना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो कंज्यूम होता है वो नहीं अटकेगा, आपका टाइम जो कंज्यूम होता है वो नहीं कंज्यूम होगा। तो ये तकरीबन 750 ग्राम कीमा लिया है मैंने। स्टेप टू पे मैंने 750 ग्राम में मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है तकरीबन 1/2 कप ऑयल में, यहाँ 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी 1 टेबल स्पून मैंने अदरक का पेस्ट और 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। अपनी पसंद के मुताबिक जूलियन कट में मैंने जिंजर पे कटा हुआ लिया है, और तकरीबन मैंने 2 कटी हुई प्याज ऑमलेट स्टाइल में ली है वो डाल दी हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा इसको लाइटली फ्राई करना है, बिल्कुल स्टार्ट में मैंने, यानी आप थोड़ा सा इसको तकरीबन 1 मिनट फ्राई करेंगे, और इसमें आप साथ ही 1 कप पानी डाल दें। ठीक है,